हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहला क्वेश्चन, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तो ऑप्शन नंबर दो से हो जाएगा, मल्लीनाथ जी के। नेक्स्ट, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? तो ऑप्शन नंबर चार से हो जाएगा, जामबोन जी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुजर शैली का है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित। नेक्स्ट, कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, किशनगढ़ स्कूल से। नेक्स्ट, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत, तो इसका ऑप्शन नंबर चार से हो जाएगा, गणगौर से। नेक्स्ट, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर दो से हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो ऑप्शन नंबर दो से हो जाएगा, भील जनजाति से। नेक्स्ट, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर चार से हो जाएगा, मेवात क्षेत्र में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर तीन से हो जाएगा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर दो से हो जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर, यानी ये बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, बारवा भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था, आरपीसी द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, ए है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। सही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, यह भी सही है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर चार से हो जाएगा, इसका ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानव अधिकार आयोग के संबंध में गलत है? पहला है, यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। सही है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, ये भी सही है। और राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी, ये भी सही है। और आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? तो ऑप्शन नंबर चार से हो जाएगा, श्री देवेंद्र यानी डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट, ग्यारहवीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर दो से हो जाएगा, 29। नेक्स्ट, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, 1967, 1980 और 1992 में।
नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था, वह है? तो ऑप्शन नंबर 4 से जगह राम राज्य परिषद को। नेक्स्ट, पंचायत राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 342। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है, सही है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, ये भी सही है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 रुपये होगी, ये भी सही है। चौथा है, एक पशुपालक की जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक, उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम देना होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा जैम एक्सीलेंस। नेक्स्ट, चौबीसवा बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। नेक्स्ट, गलत गलत युग्म का चुनाव करना है, सीमावर्ती सागर है और महासागर है, तो बेरिंग प्रशांत महासागर सही है, बाल्टिक अटलांटिक महासागर ये भी सही है, लाल सागर हिंद महासागर ये भी सही है, ओकोष्टक अटलांटिक ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत युग्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य यानी बीच में। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 16 सितंबर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या 2023 के अनुमान के अनुसार, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, यानी सी बांग्लादेश, जापान, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा धौलागिरी। नेक्स्ट, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा ताप्ती की। नेक्स्ट, तेंदू, पलाश, बेल और खैर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट, इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा केरल में। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही नहीं है, परमाणु शक्ति केंद्र है और राज्य है? तो केगा कर्नाटक सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश ये भी सही है, काकरापार महाराष्ट्र गलत है, कल्पक्कम तमिलनाडु सही है।
नेक्स्ट, भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से तीन देश शीर्षक निर्यातक गंतव्य रहे हैं? ऑप्शन नंबर दो से जाएगा, यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। नेक्स्ट, वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर तीन से हो जाएगा, थियोडोर लेविट ने। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पहला। किस बार सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर एक से जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 2002 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो ऑप्शन नंबर दो से जाएगा जीवन का अधिकार को। नेक्स्ट, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधित्व सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा 299। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो ये बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो ऑप्शन नंबर तीन से जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है, किसी क्षेत्र को? तो ऑप्शन नंबर चार से जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 3 सही है, मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) सही है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 2 सही है, किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 5 गलत है। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 सही है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 सही है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42(a) गलत है और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 सही है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर चार से जगह 23 मार्च 1947 को। नेक्स्ट, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर दो से जगह 1943 में। नेक्स्ट, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर चार से जगह CWG में। नेक्स्ट, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर दो जाएगा पश्चिमी बनास। नेक्स्ट, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल कितना वन क्षेत्र था? तो ऑप्शन नंबर दो से जाएगा 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर चार से जाएगा 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़।
नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का सही सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, ये है अनुप्रस्थ बालों का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में स्थित है, यानी झुंझुनू झुंझुनू जिले में मिलते हैं, तो ए सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी सही है। और जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, ये गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र यानी हब बनाया जाता है, बना केंद्र माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, जयपुर को। नेक्स्ट, कोलवी कंदरा यानी बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, झालावाड़ में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, पशुधन है और नस्ल है, तो भेड़, भेड़ नाली यानी एक का 2, और गोवंश है सांचोरी, बी का 4, भैंस है सूरती, सी का 1 और बकरी है बारबरी, डी का 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यता की जननी माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, गणेश्वर को। नेक्स्ट, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, पहाड़ से। नेक्स्ट, पुरातत्वविद नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल के उत्खनन से संबंधित रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, यानी बैराट से। नेक्स्ट, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर साका के किस प्रत्यार शासक से है, तो ऑप्शन नंबर 1 से जगह कक्कुक से। नेक्स्ट, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे वह है, तो ऑप्शन नंबर 1 से जगह अजय राज ने। नेक्स्ट, 94 बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से अधिक साक्षरता है, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, कोटा और जयपुर की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना यानी निंदा की थी, तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, कैप्टन सीएल सावर्स ने। नेक्स्ट, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर 1 से जगह रास बिहारी बोस का। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 से जगह बलवंत सिंह मेहता की। नेक्स्ट, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह यासिन खान। नेक्स्ट, खानवा की युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, सैलदी तंवर ने। धन्यवाद आप सभी को।